अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम राइज एंड शाइन स्कूल। क्लास 10th स्टूडेंट, आई एम योर इंग्लिश ग्रामर टीचर महावेश इमरान। आई एम गोइंग टू कंडक्ट योर सेकेंड लेक्चर। टॉपिक इज काइंड्स ऑफ नाउन। स्टूडेंट्स, इन काइंड्स ऑफ नाउन वी हैव कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। जी तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर विद अ नाउन। नाउन नेम ऑफ क्रिएचर, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग और क्वालिटी। किसी जगह, जानवर और चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे कि आप लोग ये अपने बिगनर स्टेज से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन के काइंड्स हैं। सो नाउ वी मूव ऑन द काइंड्स ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। एग्जाम्पल, हृदा, को हार्ट, जुपिटर। प्रॉपर नाउन स्टूडेंट्स वो नाउन होते हैं जो किसी खास शख्स, खास जगह, खास जानवर या किसी खास चीज़ के नाम को जाहिर करें। जैसे हृदा, हृदा एक प्रॉपर नाउन है। इसी तरीके से आपने देखा है हम कि स्कूल बहुत सारे होते हैं और स्पेसिफिक नाम होते हैं स्कूल के, लाइक वी हैव लॉट्स ऑफ स्कूल, लेकिन राइज एंड शाइन अ प्रॉपर नेम ऑफ स्कूल। ओके, नाउ वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट काइंड ऑफ नाउन, कॉमन नाउन। नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स इन जनरल। यानी कॉमन नाउन किसी आम चीज़, जगह, जानवर को मुखातिब करने के लिए या उनके लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेडी, स्कूल, कैट, फैन। यानी कि वो नाम जो आम नाम होते हैं, ख़ास नहीं होते या स्पेसिफिक नहीं होते, उन्हें हम कॉमन नाम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैट। अगर हमारे पास कैट है तो हम बोलेंगे कि हमारे पास कैट है, लेकिन अगर आपने अपने कैट को या अपने पेट को कोई नाम दिया हुआ है तो आप ये कह सकते हैं कि आई हैव कैट, नेम ऑफ कैटी। तो हमारे पास एक कैट है, कैट कॉमन नाउन है और कैटी प्रॉपर नाउन हो जाएगा। नाउ वी मूव ऑन कंक्रीट नाउन्स। आर दोज दैट कैन बी टच और सीन। जो कंक्रीट नाउन्स होते हैं उन्हें हम टच कर सकते हैं, उन्हें हम देख भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेबल, एलिफेंट, हैमर, ट्रेन, स्कूल, पार्क, स्टेशन, टीचर, पेंसिल, इरेजर। यानी कि ये वो नाउन हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। टेबल को हम छू भी सकते हैं या हम देख सकते हैं एलिफेंट कितना बड़ा होता है। स्कूल, हम अपने स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, टीचर से हम मुखातिब होते हैं। तो ये कंक्रीट नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं और जिन्हें हम देख भी सकते हैं। नाउ वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट काइंड ऑफ नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन नॉट बी फेल्ट बाय द फाइव सेंसेस। दे स्पीक ऑफ आइडिया, फीलिंग्स एंड कॉन्सेप्ट्स। यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उन्हें हम अपने फाइव सेंसेस से नहीं महसूस कर सकते, जैसे सुनने, देखने और टच करने की जो एबिलिटी होती है, ये उससे इसका ताल्लुक नहीं होता। इसका ताल्लुक होता है हमारी फीलिंग से, कॉन्सेप्ट से, जिसे हम ना तो टच कर सकते हैं ना हम जिसे देख सकते हैं, उसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे एंगर, थिकनेस, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस। अब हम अपने एंगर को देख तो नहीं सकते, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं कि हमें गुस्सा आ रहा है या हम खुश हैं।
उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव ऑन कलेक्टिव नाउंस. कलेक्टिव नाउंस रेफर टू ग्रुप्स ऑफ द पीपल, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स स्पोकन ऑफ एज वन. सो स्टूडेंट्स, कलेक्टिव नाउंस वो नाउंस होते हैं जो ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि बहुत सारे लोगों का जो एक ग्रुप होता है वो, या फिर जगह का जो ग्रुप होता है वो, या जानवरों का जो ग्रुप होता है उसको जाहिर करता है. बहुत सारी चीज़ों को अगर मिला के, या बहुत सारे लोगों को अगर मिला के हम उसको एक वर्ड बना देते हैं या एक नाम बना देते हैं तो वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन. जैसे कि मिसाल के तौर पे हार्ट ऑफ काउस, फ्लैट ऑफ शिप्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, क्राउड. अब जो क्राउड है उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, लेकिन हमने उसको एक वर्ड बना दिया क्राउड. लाइक आर्मी, बहुत सारे लोग आर्मी में काम करते हैं, बहुत सारे लोग आर्मी से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन हम उसको एक नाम दे देते हैं आर्मी. इसी तरीके से पैक ऑफ कार्ड्स, यानी कि बहुत सारे कार्ड्स जब एक जगह जमा कर लिए जाते हैं तो उसे पैक ऑफ कार्ड्स कहते हैं, एक नाम बना दिया गया है. नाउ वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट काइंड ऑफ नाउन. नाउ वी आर ऑन काउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स कैन बी काउंट एंड कैन बी यूज एज सिंगुलर, अ पेन और प्लूरल, सिक्स पेंस. यानी जो काउंटेबल नाउन्स हैं उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, उन्हें हम गिन सकते हैं जमा में भी और वाहिद में भी. एग्जाम्पल, क्वाइन, क्वाइंस, नोट, नोट्स. नाउ वी मूव ऑन अनकाउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड मेस नाउन्स, आर रेफर टू लिक्विड्स, सब्सटेंस एंड आइडियाज. जो अनकाउंटेबल नाउन हैं उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, और उनमें वो चीज़ें शामिल होती हैं जो लिक्विड होती हैं, या वो चीज़ें जिनको हम मिला के और चीज़ें बनाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑयल, प्लास्टिक, मिल्क, स्टूडेंट्स. अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है और आप अपने कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉलोजी पे कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. स्टूडेंट, दिस इज योर होमवर्क. प्लीज वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन. रीड एंड रिकॉल ऑल काइंड्स ऑफ नाउन एंड डू दिस वर्क इन टू योर ग्रामर नोटबुक. If you have any questions, please ask me from Discology. Thank you so much.